हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टॉप 10 क्लासेस के क्रैश कोर्स में। गाइस, जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में पिछले वाले लेक्चर में दो जीनों की वंशागति के बारे में पढ़ लिए थे, उसमें जो हम लोगों का जीनो टाइप निकला था वह था 12 24 12 12 1। इसमें हम लोग रेशियो लगाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। फिर इसके पश्चात जो हम लोगों का फिनोटाइप था वह था 9:3:3:1। अब गाय जो अब हम लोगों का जो लेक्चर है वह है लय प्रचालक या लय प्रचालक के बारे में दिए थे जैकब व मोनाड। गाइस, यह जो लैक ऑफिरान होता है यह जैसे ग्लूकोज की पूर्ति के लिए होता है। जब जो बैक्टीरिया होता है अगर उसके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज की पूर्ति के लिए हम लोग उनमें लैकोपेरान की प्रक्रिया होती है। गाइज, जैसे कि अभी हम लोगों का खाना जो खाना है, हम लोगों को 2 रोटी खाना है 4 रोटी खाना है। अब ऐसा तो है नहीं हम लोग सीधा 20-25 रोटी खा जाएंगे, तो गाइज ऐसे ही इसमें भी होता है। इसमें जब ग्लूकोज की कमी होती है तब यह प्रक्रिया चालू हो जाता है। लैक्टोज से ग्लूकोज का निर्माण होता है, और जब लैक्टोज नहीं रहता है, जब ग्लूकोज की पूर्ति हो जाती है तो यह प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो गाइज आइए हम लोग बारी बारी से इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो गाइज लैकोपेरान के बारे में जो दिए थे जानकारी वह जैकब व मोनाड जी थे। तो इसमें गाइज आइए पहले हम लोग ये लिखे, पहला जब ग्लूकोज उपस्थित रहता है, जब ग्लूकोज उपस्थित रहता है तो गाइस इसमें एक अक्षर है पी पो जया। तो आइए हम लोग इसके माध्यम से समझते हैं, PIPOZYA। गाइस जो हो गया पीपो जया, गाइस यह है जहाँ हम लोगों का ग्लूकोज उपस्थित रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। गाइस इसका कोई कार्य नहीं होता, और इसे जो हम ओ से होता है इसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। और गाइस जो जेड होता है या बीटा गैलेक्टोसाइड, इसमें बीटा गैलेक्टोसाइड पाया जाता है जो लैक्टोज को दो भागों में विभाजित कर देता है। इसमें पहला आता है ग्लैक्टोज और दूसरा आता है ग्लूकोज। गाइस क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है उसे ग्लूकोज की पूर्ति के लिए या प्रक्रिया को स्टार्ट करना पड़ता है, तो जो बैक्टीरिया है अब यहाँ से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को लेकर चला जाएगा। और जो गाइस ये वाई होता है या परमीएज नामक एंजाइम को स्रावित करता है, परमीएज। और जो हम लोगों का ए होता है या ट्रांस एसीटिलीन। गाइस या ट्रांस एसीटिलीन नामक हार्मोन को स्रावित करता है, इसका कोई कार्य नहीं होता। और जो परमीएज होता है यह बीटा गैलेक्टोसाइड की सांद्रता को
बढ़ा देता है, बीटा गैलेक्टोसाइन की सांद्रता को बढ़ा देगा तो जो लैक्टोज आएगा उसे यह जल्दी से ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में तोड़ देगा। तो गाइज इसे हम लोग बोलते हैं इतने को ऑपरेटर जीन, इतने को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर मतलब चलाने वाला, और जो यह है इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक स्ट्रक्चरल। गाइस इतने को ये जो चार हैं पी आई पी ओ इसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर, और इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, इसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर जीन, और इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। अब गाइस जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोगों का आ गया, यहां पर आ गया हम लोगों का एम आर एन ए पॉलीमरेज, एम आर एन ए पॉलीमरेज। गाइस यहाँ पर हम लोगों का mRNA पॉलीमरेज आया और यह प्रमोटर को चालू कर दिया। गाइस यह स्थिति कब होगी, जब हम लोगों का इसमें लैक्टोज उपस्थित होगा, लैक्टोज के द्वारा ही हम लोग लैक्टोज हुआ ग्लूकोज को प्राप्त करेंगे, क्योंकि गाइस जो यह ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है यह पहले से ही उपस्थित है, जो ग्लूकोज है यह पहले से ही उपस्थित है, तो यह प्रक्रिया बंद रहेगी, क्योंकि यह प्रक्रिया चालू कब होगी, जब हम लोगों को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोगों को नहीं बैक्टीरिया को, जब बैक्टीरिया को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी तब यह प्रक्रिया चालू होगा, और अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो यह प्रक्रिया बंद रहेगा। जो इंसेमिनेशन होता है यह mRNA को, यह mRNA को प्रोटीन में चेंज करता है, यह mRNA को प्रोटीन में चेंज करता है, या जो इंसेमिनेशन होता है mRNA बनाता है, mRNA प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन। गाइस जो mRNA होता है वह प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, अब गाइस यह यहाँ पर जो प्रोटीन बना मान लीजिए इसमें हम लोगों का ग्लूकोज है, तो यह प्रोटीन जाकर ऑपरेटर वाले को बांड कर देगा, ऑपरेटर वाले का मान लीजिए आकार गोल है, या यहाँ पर आया और इसे बांड कर दिया, बांड करने के पश्चात अब यह क्रिया आगे तो बढ़ेगा नहीं, तो गाइस यह जो होता है यह पूरा बंद हो जाता है, जो इसमें अनुलेखन की क्रिया होती है यह टोटली फिनिश हो जाती है। गाइस यह चालू नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के जो अणु होते हैं यहाँ पर ऑपरेटर वाले जीन को जाकर बांड कर लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पर यह प्रक्रिया नहीं होती। अब गाइस मान लीजिए ग्लूकोज उपस्थित है, यह प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगा, इसके पश्चात जब हम लोगों को ग्लूकोज की आवश्यकता होगी तब यह प्रक्रिया स्टार्ट होगा। अब आइए हम लोग लैक्टोज से ग्लूकोज बनाते हैं, कैसे इस प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, आइए हम लोग उसके बारे में अध्ययन करें। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों का ग्लूकोज उपस्थित रहता है तब तो यह बंद रहता है, अब यह ग्लूकोज जो है गाइस सब जीन सब कुछ वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। मान लीजिए जैसे आप हम लोगों का एक विलयन हो गया, इसमें ढेर सारे लैक्टोज के अणु हैं, अब यह जो लैक्टोज के अणु हैं यह यहाँ पर आए, इनका आकार गोला टाइप होता है, यहाँ पर आए और ये प्रोटीन को जो ये गोलाकार भाग है यहाँ पर आके स्थित हो गए और इसकी प्रक्रिया को बांड कर दिए। इसके पश्चात यह जो है आप पहले तो जब ग्लूकोज उपस्थित था तब यह इसे बांड कर लेता था, इसे बंद कर लेता था, लेकिन अब यह पहले से ही बांड हो गया है, जो इसमें क्या इसमें लैक्टोज के अणु हैं इसके द्वारा यह बांड हो गया है, इसमें जो लैक्टोज है इसके द्वारा यह बांड हो गया है, तो यह यहाँ पर इसे रोकेगा नहीं, जब यह इसे नहीं रोकेगा तब यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। प्रक्रिया चलने के पश्चात जो यह हम लोगों का बीटा गैलेक्टोसाइड है यह लैक्टोज को यहाँ से जो जेड जीन होता है यह बीटा गैलेक्टोसाइड का स्रावित करता है हार्मोन, और जो वाई होता है यह परमियोज को स्रावित करता है, और जो ए होता है यह ट्रांसेसिटिलीन को स्रावित करता है। तो गाइस यह हो गया
जेड बीटा गैलेक्टोसाइड को स्रावित किया। अब मान लीजिए हम लोगों को लैक्टोज मिला, अब लैक्टोज से हम लोगों को ग्लूकोज बनाना है, तो अब हम लोग लैक्टोज से ग्लूकोज बनाएंगे। तो यह जो हम लोगों का लैक्टोज मिला, अब लैक्टोज आया यहाँ पर। गाइस ये सब बाहर नहीं होता, सब इसी के अंदर होता है। वो तो हम आपको दिखाने के लिए इसको ऐसे बाहर किए हैं। यह अब इसे बांड नहीं कर पाएगा, तो जो यह जीन जेड जीन है यह बीटा गैलेक्टोसाइड को स्रावित करता है। तो जो बीटा गैलेक्टोसाइड होगा यह लैक्टोज को दो भागों में तोड़ देगा, पहला हो जाएगा ग्लैक्टोज, दूसरा हो जाएगा ग्लूकोज। तो जो बैक्टीरिया है यह सारी प्रक्रिया किस लिए किया है? ग्लूकोज को ही प्राप्त करने के लिए किया है। तो अब जो यह बैक्टीरिया है, मान लीजिए यह कोई बैक्टीरिया है, यह कोई बैक्टीरिया है, अब यह यहाँ से इसके शरीर में ग्लूकोज मिल गया। ग्लूकोज मिलने के पश्चात अब यह पूरी प्रक्रिया फिनिश हो जाती है। गाइस यह एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न पूछता है बोर्ड एग्जाम में। गाइस जो है और यह जो परमीएज होता है, परमीएज एंजाइम जो होता है यह बीटा गैलेक्टोसाइड के सांद्रता को बढ़ा देता है, उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है, जिससे वह कूटलेखन का कार्य आसानी से कर सके। बीटा गैलेक्टोसाइड अब यह लैक्टोज को लैक्टोज का दो भागों में तोड़ देगा, एक होता है ग्लैक्टोज एक होता है ग्लूकोज। अब यहाँ से उसे ग्लूकोज की जितनी आवश्यकता होगी उतना पूर्ति हो जाएगी, फिर इसके पश्चात यह प्रक्रिया जो है बंद हो जाएगी। अगर ग्लूकोज उपस्थित है तब यह प्रक्रिया बंद रहेगी, अगर ग्लूकोज उपस्थित नहीं है तब यह प्रक्रिया चालू होगा। चालू होने के पश्चात ग्लूकोज की जैसे ही पूर्ति हुआ यह प्रक्रिया बैक्टीरिया में फिर से बंद हो जाएगा। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का लैक ओपेरान। फिर से आइए एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया है और उसे ग्लूकोज की आवश्यकता है, ग्लूकोज की आवश्यकता, ग्लूकोज उसके पास था, वह ऊर्जा में व्यय हो गया। अब उसे ग्लूकोज की आवश्यकता है और उसके पास लैक्टोज है, अब वह लैक्टोज के द्वारा लैक ओपेरान की प्रक्रिया को अपनाकर ग्लूकोज की पूर्ति करेगा। आएगा यहाँ पर जो mRNA पॉलीमरेज है या प्रमोटर को यहाँ पर आने के पश्चात स्टार्ट कर देगा प्रक्रिया को, और जो यह लैक्टोज के अणु रहते हैं या यहाँ पर प्रोटीन के अणु को आकर बांड कर लेते हैं, जिसके कारण यह प्रोटीन जो होता है ऑपरेटर जीन को बांड नहीं कर पाता और यह प्रक्रिया चलती रहती है। ऑपरेटर जीन को जब बांड नहीं कर पाएगा तो जो यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइड है इसके सांद्रता को परमीएज नामक एंजाइम बढ़ा देता है। जब यह सांद्रता बढ़ गया, जो बीटा गैलेक्टोसाइड है यह लैक्टोज के दो भागों में तोड़ दिया, पहला होता है ग्लैक्टोज दूसरा होता है ग्लूकोज। तो गाइस अब यहाँ से बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिल गया, अब बैक्टीरिया अपना ग्लूकोज लेकर चला जाएगा, और जो इसमें ट्रांस एसिटिलीन होता है इसका कोई कार्य नहीं होता, और जो इसमें ये 3 जीन होते हैं ZYA इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और जो इसमें जीन होता है PIPO इसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर जीन। तो गाइस बस आज का वीडियो यहीं तक। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।